दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 5 ठरके नमूने दिखाने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में एक महिला अपना काम कर रही है और सामने खड़ा वो बुड्ढा उस औरत को घूर रहा है। ध्यान से देखो इस वीडियो को। इस ठरकी बुड्ढे के मन में आखिर क्या चल रहा है आपको जल्द ही पता चल जाएगा। ठरकी बुड्ढा उस औरत को बोलता है कि मैडम, आपके पैर पर कुछ लगा हुआ है, और उसे निकालने के बहाने उसके पैर को छूने की कोशिश करता है। तभी ये बात उस महिला को समझ आ जाती है। वो महिला उससे थोड़ा दूर हो जाती है। इसके बाद उस बुड्ढे ने उस महिला के साथ एक शर्मनाक हरकत की। वीडियो ध्यान से देखिए। बुड्ढे की इस हरकत के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलो देखते हैं अगला वीडियो। ये वीडियो पाकिस्तान के एक क्लिनिक का है। यहाँ डॉक्टर अपने मरीज के साथ क्या करता है जरा ध्यान से देखिए। यह वीडियो डॉक्टर ने खुद अपने मोबाइल में शूट किया था। बाद में वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस महिला ने इस डॉक्टर का विरोध करना चाहिए था, लेकिन किसी डर की वजह से इस महिला ने इस डॉक्टर का विरोध नहीं किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डॉक्टर को गिरफ्तार कर दिया गया है। डॉक्टर के मोबाइल में ऐसे 140 वीडियो देखे गए। मतलब डॉक्टर ने आज तक 140 लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन किसी ने भी इस डॉक्टर की शिकायत आज तक नहीं की थी। पाकिस्तान के हॉपीज क्लिनिक में क्या होता है ये तो हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे कि पाकिस्तान के कॉलेज में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा सब कैंपस बखर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा गुनाह यह है कि मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी हूँ। मेरे ही डिपार्टमेंट के HOD जिनका नाम डॉक्टर साजिद इकबाल है, ने तकरीबन 2 साल से मुझे जलील किया हुआ है। वो मुझसे नाजायज मकासद की तकमील चाहते हैं। वो मुझे क्लास टाइमिंग के दौरान बुलाते हैं अपने ऑफिस में, अपने करीब बैठने को कहते हैं, मुझे टच करने की कोशिश करते हैं। हत्ता कि उन्होंने मुझे पेपर्स, फाइनल्स के पेपर्स वक्त से पहले दिखाने की लालच और डिग्री की लालच भी दी है। मैं ही नहीं, मुझ जैसी कई और लड़कियां हैं जो उसकी हवस का शिकार हैं, जो हो चुकी हैं। उन सब ने मैंने आवाज उठाई है।
मैंने आवाज उठाई है जिसकी मुझे वो सजा दे रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग मेरी आवाज बने, मेरा साथ दें। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो के आखिर में मैंने तमाम सबूत और यूनिक वीडियोस जो हैं वो अटैच कर दी हैं। प्लीज मेरा साथ दें, क्योंकि अगर मैं या मुझ जैसी कोई लड़की बाद में जहर खा लेते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग मेरी आवाज बने, मेरा साथ दें। क्योंकि अगर आप अब मेरा साथ नहीं देते तो बाद में मेरी जगह आपकी ही कोई बहन बेटी हो सकती है। प्लीज मेरा साथ दें। पाकिस्तान में जॉब मिलने के लिए लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है, खुद पाकिस्तान के लड़की से सुनिए। और अगर मिलती थी तो इस बिना पे मिलती थी कि आप हमारी शराइत पूरी करें तो हम आपको जॉब देते हैं। और अगर कहीं कहीं नौकरी अगर मिल भी जाती थी तो वहाँ पहले तो ये बहुत अच्छे तरह से सलूक करते थे हमारे साथ, और उसके बाद अपनी नाजायज़ बातें रखना शुरू कर देते थे, गलत बातें बोलना शुरू कर देते थे, या हाथ मारना, ये चीज़ें करना जो हमें पसंद नहीं होता था। अगर हम उनकी बात सुन लेते थे, कुछ लोग होते थे जो मजबूर होते थे तो वो सुन भी लेते थे, और जो नहीं सुनते थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। ऑफिस हो, कॉलेज हो, क्लिनिक हो, मॉल हो, लिफ्ट हो, लड़कियां कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लड़कियों को क्या करना चाहिए, इसका जवाब हमने वीडियो के लास्ट में दिया है। अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो वीडियो का लास्ट मिस मत कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये सामने आपको दिख रहा है नीला टी शर्ट पहना हुआ लड़का, इसको ध्यान से देखिए, इसकी एक एक हरकत बारीकी से देखिए। पब्लिकली ऐसा काम करने की ऐसे लोगों की हिम्मत ही कैसे होती है। इस लड़की ने इसका विरोध किया, बहुत ही अच्छा किया। अगर ये लड़की इसका विरोध नहीं करती तो ये लड़का इसके साथ और ऐसा ही काम करता ही रहता। वीडियो में आगे आपको ऐसे एक लड़की दिखाने वाले हैं जो ऐसे कामों का जबरदस्त विरोध करती है। जब तक लड़कियां विरोध करना नहीं सीखेगी तब तक ऐसे ठरकी लोग उनका फायदा उठाते ही रहेंगे। कॉलेज हो, स्कूल हो, क्लिनिक हो, हर जगह पर लड़कियों को ऐसा सामना करना पड़ता है। इस लड़की ने बड़ी बहादुरी से इसका विरोध किया, ऐसा ही विरोध हर लड़की ने करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।